और ये मेरी मम्मी है और ये छोटा भाई आर्यन है। तो मम्मी भी ब्लॉग में आज पहली बार आप लोगों के सामने, मम्मी को भी लेते हैं अपने। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि जैसा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम अपने घर से कुछ खास करते हैं, जैसा खीर वूर बनाते हैं, पूरी सब्जी। तो और उसी के साथ हमने घर पे भी कैंडल वंडे जलाया है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम और मेरा छोटा भाई, ये है आर्यन इसका नाम है। तो हम दोनों ने मिलकर कैंडल घर पे जलाया है जैसा कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैंडल किस तरीके से हम लोग लगाए हैं, किस तरीके से। ये देखिए घर पे अच्छे से पंचशील का झंडा वंडा हम लोगों ने लगाया भी है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, उसी के साथ आपको बाहर से घर के कैंडल वंडल के आपको कुछ दिखाते हैं। आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं कैसा हम लोग कैंडल लगाते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइस जैसा कि देखिए, हमने अपने घर पे पंचशील का झंडा वंडा अच्छे से, फिर सामने बुद्ध जी की मूर्ति और ऐसे इस तरीके से कैंडल, और छत पे अपने पंचशील का झंडा वगैरह सब कुछ लगा के मैंने एकदम अच्छे से बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। जैसा कि खीर और पूरी सब्जी भी बनाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग पंचशील और क्या अच्छे से सम्मान करते हुए बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं अपने घर पर। और लोगों से भी हम लोग कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा मनाएं और इसके बारे में जानें, बुद्ध मतलब बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जानें, क्यों ऐसा क्या हुआ था कि बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो जैसा कि मैं आप लोग को दिखा रहे हैं कि घर पे कैंडल वंडल लगा के हम लोगों ने अच्छे से बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, छत पे भी हमने पंचशील का झंडा वंडा लगाया हुआ है दोस्तों। और ये देखिए पंचशील का झंडा हम लोगों ने अपने घर पे बांधा हुआ है। तरीके से हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं ना अच्छे से, मतलब बड़े पैमाने पे कह सकते हैं कि हम लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। और ये मेरी मम्मी है और ये छोटा भाई आर्यन है। तो मम्मी भी ब्लॉग में आज पहली बार आप लोगों के सामने, मम्मी को भी लेते हैं अपने। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, ब्लॉग को समाप्त करते हैं। छोटा सा ब्लॉग एक बुद्ध पूर्णिमा पे मैंने बनाया था तो आप लोग के बीच में आने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद, चलते हैं दोस्तों।